अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मौलाना नसीरुद्दीन साहब का जनाजा आ चुका है मस्जिद ईद का उजाले शाह साहब के अंदर। अभी 5 मिनट में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो 5 मिनट बाद हमारे जोहर होगी। जोहर आ गया है तो जोहर की तैयारी कर लीजिए इंशाल्लाह। जोहर के बाद जो हजरात दीदार करना चाह रहे हैं वो हजरात आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से आइए और दूसरी तरफ से चले जाइए। कितने लोग आसानी से मुसल्लों पे आ सकते हैं? जमात के लिए अपनी सफें दुरुस्त कर लीजिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हजरात, चूँकि मेरे वालिद साहब एक समाजी शख्सियत थे, कई लोगों से उनके रवाबित थे, कई लोगों के मामलात वगैरह वो हल करते थे, तो हो सकता है कि किसी के साथ कभी उनसे ज़्यादती हो गई हो या उनका किसी के साथ मामला हुआ हो जिसका इल्म हमें ना हो। तो मैं वालिद साहब की तरफ से अपने आप को पेश करता हूँ। अगर वालिद साहब का हक किसी की तरफ है तो वो मुझसे रुजू कर सकते हैं। हो गई है जो उनके ठेस पहुँच उनके दिल को ठेस पहुँची हो तो अल्लाह के लिए आप माफ़ कर दीजिए, और अगर कोई हक उनकी तरफ रह गया हो तो आप मुझसे रुजू करिए। आखिरी वक्त तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कलमा वालिद साहब की ज़बान पर जारी था, और कल रात तक भी उम्मत की फ़िक्र कर रहे थे। मुनव्वर हसन साहब का इंतकाल की खबर जब उन्हें मालूम हुई तो उनके लिए मगफिरत की दुआ की है। सुबह फजर के बाद से ख़ानदान के मरहूमिन के लिए हाथ उठा के मगफिरत की दुआ कर रहे थे, और पूरे आलम इस्लाम की हालात पर रात में वकील साहब आए थे तो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। करना ये उनका मिशन और उनका जो है काम करने की का नहज था। आप तमाम से दुआ से गुजारिश करता हूँ कि अगर वालिद साहब से कभी कोई खता हुई हो तो दरगुजर कर दीजिए और उनके हक में दुआएं मगफिरत करिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला जन्नत में आला इल्लियीन में उन्हें मुकाम अता करे, अल्लाह ताला बेहतरीन ज़ियाफ़त का इहतमाम करे, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से जो है उनके इस्तकबाल की तैयारी करे, अल्लाह ताला शहादत का दर्जा दे, अल्लाह ताला हम बाबा की हमेशा ख्वाहिश रही थी कि अल्लाह की राह में शहीद हूँ। आमीन। चलते रहो भाई।
सारा कुछ है।